नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है निकल के। हरियाणा में 60,000 पदों पे शिक्षकों, अफसरों और अन्य कर्मचारियों की बंपर सरकारी भर्ती की तैयारी। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है निकल के, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये है दोस्तों पूरी अपडेट। हरियाणा में बंपर भर्ती की तैयारी, भरे जाएंगे अफसर और कर्मचारियों के करीब 60,000 रिक्त पद। हरियाणा में जल्द ही सरकारी नौकरियों की बंपर भर्ती होगी। राज्य सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के हजारों रिक्त पदों को भरेगी। अनुमान है कि करीब 60,000 पदों पर युवाओं की भर्तियां की जाएंगी। आगे देखिए, हरियाणा सरकार की सभी सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी अफसरों से लेकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। सरकार ने 2 दिन के अंदर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक व मुख्य प्रशासकों से मौजूदा स्टाफ और रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। साथ ही इस साल 31 दिसंबर तक सेवानिवृत्त हो रहे अफसर कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी है, ताकि इन पदों के लिए पहले से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी करते हुए सभी विभागों को हर हाल में 22 अप्रैल तक, आज ही तक, मतलब आज 22 अप्रैल है, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित फॉर्मेट में ग्रुप ए, बी, सी और डी के स्वीकृत पदों का नाम, स्वीकृत पदों की संख्या, भरे हुए और रिक्त पद अनुबंध आधार पर भरे गए रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि कितने पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग को सिफारिश भेजी गई है तथा कितने और पदों पर भर्ती के लिए सिफारिश भेजने की जरूरत है। आगे देखिए, 31 दिसंबर तक सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों की जानकारी भी मांगी, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। सभी विभागों और बोर्ड निगमों से पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को भी सिरे चढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस साल 60,000 पदों पर भर्ती का है। इनमें से 50,000 भर्तियां एचएसएससी और 10,000 भर्तियां एचपीएससी के जरिए सिरे चढ़ाई जाएंगी। ग्रुप सी और डी के पदों को भरने के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा जून के पहले पखवाड़े में होनी है। आगे देखिए, सहायक प्रोफेसर के 3,922 पदों पर होगी भर्ती। महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए सहायक प्रोफेसर के 1,922 पदों को भरा जाएगा। इनके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को सिफारिश भेज दी गई है, जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 2,000 सहायक प्रोफेसर की भर्ती होगी। तो ये है दोस्तों अपडेट जो कि हरियाणा सरकार की तरफ से निकल के आ रही है और जो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।